जहां पूरा देश आज कारगिल शहीदों को याद करके श्रद्धांजलि दे रहा है, वहीं गत माह गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में शहीद हुए हमीरपुर के गड़ौता गांव के अंकुश ठाकुर के परिजनों को भी अपने बेटे की शहादत पर गर्व महसूस हो रहा है। शहीद अंकुश ठाकुर ने 21 साल की उम्र में ही शहादत का जाम पीकर अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी है। आज भी चीन के धोखे के जख्म अंकुश के परिवार में दिखाई देते हैं और अंकुश की माँ आज भी बेटे की बात करते हुए नम हो जाती है। अंकुश ठाकुर के पिता अनिल कुमार ने बताया कि बचपन से ही अंकुश फौज में जाने के लिए कहता था और छोटी सी उम्र में फौज में भर्ती हो गया था। उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से शादी के 10 साल बाद अंकुश पैदा हुआ था और 21 साल की उम्र में अंकुश शहीद हो गया। उन्होंने बताया कि अंकुश ने बीएससी की पढ़ाई को अधूरा छोड़कर फौज में भर्ती हो गया था। उन्होंने बताया कि गत वर्ष दिसंबर माह में अपनी फौज की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गलवान में सेना में तैनाती हुई थी। उन्होंने बताया कि हमें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। सर, अंकुश ये मेरी जिंदगी में 10 साल के बाद आया था और 10 साल काफ़ी वेट किया। वेट करने के बाद मैं वो 98 में मेरे जिंदगी में आया और बहुत खुशी था उसके साथ में, और खुशी के साथ साथ उसके जो भी उसका व्यवहार था बहुत अच्छा था और पढ़ने में बहुत अच्छा था। और पढ़ते पढ़ते उसने जो स्कूल में पढ़ा उसका बचपन जो बहुत ही अच्छा रहा उसका। और उसके बाद में वो जो इसमें बीएससी कर रहा था, बीएससी करते करते वो उसका आर्मी में जाने का उसका वो काफ़ी विचार था, क्योंकि उसके दादा जो आर्मी में थे, उसके परदादा वो भी आर्मी में थे और परदादा के जो 4 भाई थे वो भी आर्मी के अंदर थे। तो उनको देखते हुए और मैं भी आर्मी में था 19 पंजाब में, तो उसको देखते हुए उन्होंने जो वो काफ़ी जो दोस्त था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। और बीएससी करते करते मैं जो उसको बोलता था यार आप बीएससी कर लो, आगे और भी जॉब हैं, तो बोला नहीं मैं आर्मी में जाऊंगा, जिसमें आप थे उसी में जाऊंगा। तो वो उसी ग्रुप में जो है वो 24/12 इसमें 18 में भर्ती हुआ। बीएससी उसका आधा पास हुआ था, आधा रह गया था, तो आधे में उसने वो जो है इसमें 24/12/98 में वो 18 में भर्ती हो गया। भर्ती होने में उसका जोश काफ़ी अच्छा था और जोश में जो उसमें छुट्टी भी आया यहाँ पर छुट्टी काटा और वो पासिंग आउट हुआ 5 दिसंबर 2019 को। और जनवरी में छुट्टी आया वो यहाँ पे 1 हफ्ते का, 16 को आया था, 24 को चला गया। उसके बड़े अच्छे वो थे कि मतलब तो कोई ऐसा होता है कि इसमें कोई इसमें जब बंदा घबरा जाता है, लेकिन उसके दिल में कोई ऐसी भावना थी कि यहाँ पे मैं आर्मी में जा रहा हूँ, बड़े शहर में जा रहा हूँ। तो वो यहाँ 24 को निकला और वो 7 फरवरी को वहाँ जाके पहुँच गया, और जहाँ पे हम मिल गए हमारे को मौका नहीं मिला जाने का। इसमें जो है वहाँ पर वो इसमें पोस्टिंग है 1st ग्लेशियर में, तो 7 फरवरी को वहाँ पे चढ़ा और 15 को जाके वो जहाँ पर उसका जाना वहाँ जाके वो पहुँचा। अच्छा उसका मेडिकल रहा और अच्छे उसके जो भी थे वो अच्छे विचार थे वहाँ पे। तो मैं थोड़ा घबराता गया, वहाँ पे इलाका ठीक नहीं है, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। लेकिन 3 महीने का वहाँ पे टोन बजा जिसने अच्छे से पास किया, जिसमें कोई ऐसा जो ज़िंदगी में उसके लिए नहीं था यहाँ पर कुछ होता। लेकिन 18 मई को नीचे आया, वो नीचे आके बोला कि इसमें थोड़ा जो आगे बॉर्डर वाल इलाका है थोड़ा वहाँ पे कुछ माहौल ठीक नहीं है। तो उनको बोला कि यानी आप लोगों को जाना है, क्योंकि जो पलटने थे वो उसमें 31 जो है जो इसमें जून को या इसमें नीचे आनी थी। तो क्या कुछ बंदे नीचे थे, कुछ बंदे ऊपर थे, और वो 2 कंपनी वहाँ पर चले गए। उसके बाद में उसका फोन नहीं आया 19 जून के बाद में, 19 मई के बाद में। फिर उसका फ़ोन जानिए 16 जून को आया मेरे पास सवेरे 7 बजे। उसमें कहा कि आपका बेटा जो है वो थोड़ा शहीद हो गया। शहीद होने की खुशी में क्या है कि जो भी हम चाहते हैं कि हमारा बेटा कुछ नाम रोशन करे माँ बाप का, और अच्छा किसी का वो देश में काम आए, उन्होंने वो काम किया, उसको देखते हुए मुझे यानी कि बहुत गर्व है उसके ऊपर। और जो भी साथ में जवान शहीद हुए उनके ऊपर भी यानी कि काफ़ी जो है वो मैंने ये गर्व की बात है कि उन्होंने अपने जो देश का नाम रोशन किया।
अपने स्टेटों का नाम ये उन्होंने रोशन किया। और अंकुश ने तो हमारे जो है हिमाचल था, यहाँ पे जो बाहर के जो स्टेट हैं वहाँ पे जानते नहीं हिमाचल कहाँ पे है, तो उसने यानी कि काफ़ी अच्छा नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। तो गर्व बहुत है, लेकिन दुख ये है कि वो ज़िंदगी में 10 साल के बाद आया और 10 साल अकेला रहा। 98 में ए आया और 2008 में इसमें छोटे वाला आया, तो थोड़ा दर्द है कि इसमें काफ़ी कम समय में चला गया। लेकिन जो भी इसमें दर्द है इसके जो उसने किया है देश के लिए और अपने स्टेट के लिए, वो जो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि देश के काम आना, देश का जो करना है उसके आगे दर्द कुछ नहीं। लेकिन क्या है कि वो मरीज सोच रहती है कि हमारा बच्चा था, होता कुछ करते उसके बारे में, शादी करते, शादी के लायक हो रहा, लेकिन वो चीज़ें बीच में रहेगी, इसका अंदर भी उसका दुख है और दुख भी ज़्यादा है। लेकिन जो पिता अनिल कुमार ने बताया कि अंकुश के काफ़ी सपने थे और सपने काफ़ी अधूरे रह गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए शहादत दी है वे किसी सपने से बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की सरहद पर चीन के धोखे ने बेटे को हमसे छीन लिया है, जो कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि इस तरीके के धोखे आगे से नहीं होने चाहिए। सर, अंकुश को सपने काफ़ी थे, लेकिन वो सपने कुछ अधूरे रह गए। और सपने तो सपने हैं, लेकिन जो उन्होंने किया वो सपनों के आगे कुछ नहीं है। जो देश के लिए काम आए उसके लिए वो सपने तो होते हैं, लेकिन अभी सपने सबके पूरे नहीं होते हैं। लेकिन वही है कि जो उन्होंने अपने देश के लिए उनका जो काम था उन्होंने वो अच्छे तरीके से निभाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने अपने जो भी उम्र थोड़ी कम होने के कारण थोड़ा दुख तो है। कहें कि जो हुआ है वो तो एक धोखा था, और जो सरकार है हमारे मोदी जी हैं उनसे यही एक विनती है कि जो होया वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ सर, कुछ में जो है काफ़ी उन्होंने जो है यहाँ पे जो भी था पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचाए हैं, जो इसमें पहले नहीं होता था। तो जो इसमें जो भी इसमें जो है वो कब्ल बार हुआ था उसके बाद में हुआ है। तो सरकार जो भी थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि पहले यहाँ पे कुछ नहीं आता था, लेकिन जो उन्होंने किया वो एक बहुत इसमें बहुत अच्छा सराहनीय काम किया, तो उसके लिए उनके लिए मैं काफ़ी धन्यवाद करना चाहते हैं उनके लिए। बस ये है कि जो है अपना फर्ज निभाएं, माँ बाप भी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा जो हमारा नाम है वो रोशन करे और देश के लिए काम आए। जो अंकुश ने किया है उसकी सीख लेके वो भी अच्छे से अच्छा कार्य करें और अपने देश का नाम रोशन करें, क्योंकि इसके लिए आता है बंदा कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करे। तो जैसे अंकुश ने किया या जो भी थे 20 जवान थे उन्होंने जो किया वहाँ पर बिना हथियार के जो उन्होंने वहाँ पर अपना जो अच्छा काम किया है, तो एक बोलना चाहता हूँ कि जो उनकी सीख लेके जो है वो उनकी जो वो नहीं है जैसा। शहीद अंकुश ठाकुर के छोटे भाई आदित्य ने बचपन की यादों को बताते हुए कहा कि भाई चाहता था कि मैं भी फौज में भर्ती हो जाऊं। उन्होंने बताया कि अंकुश को अपनी बाइक से बहुत प्यार था और छुट्टी आने पर गाड़ी लेना चाहता था। उसने बताया कि अंकुश फौज में बड़ा अफसर बनना चाहता था और उसी के लिए किताबें भी अपने साथ लेकर गया था। मेरा भाई बोलता था कि आदित्य की पढ़ा कर बड़े होके भर्ती होना तूने भी जैसे मैं हुआ, और वो बोलता था कि मैं तुझे बाइक दिलाऊंगा, फोन लूंगा घर में आके, और वो बोलता था कि मैं बड़ा गाड़ी लूंगा जिसमें हम दोनों घूमा करेंगे, और बोलता था मेरे भाई की अपने मम्मी पापा को परेशान मत किया कर, और बोलता था और उसकी एक बाइक थी वो उससे बहुत प्यार करता था कि उसे नहीं बेचनी है गाड़ी, उसे लेनी थी पक्का। वो घर में आके बुद्ध भी बोलता था कि मेरी गाड़ी ले लो पापा, और उसे अफसर बनना था, और वो घर अपने सामान लेके गया था अपनी बुक्स पढ़ने के लिए ऊपर। शहीद अंकुश की माता पुष्पा देवी ने
नम भरी आंखों से अपने बेटे की शहादत पर नाज करते हुए बताया कि जो अंकुश ने देश के लिए किया है उस पर हमें नाज है। वहीं उन्होंने दुख व्यक्त किया कि अंकुश बड़ी जल्दी हमें छोड़कर चला गया। माँ हूँ मेरे को तो उसके बचपन से लेके बड़े होकर तक पूरी बातें याद आती है कि बोल सकती हूँ। 10 साल के बाद मिला था मुझे, 21 साल में सही सर। मैं इतना ही बोलती हूँ कि मुझे अपने बच्चे पर बहुत गर्व है और गर्व करती रहूंगी, और दुख भी बहुत है कि अंकुश आदमी मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं सर इतना ही बोलना चाहती हूँ। अंकुश के घर के समीप दुकानदार ने बताया कि अंकुश खुश मिजाज किस्म का युवक था और अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहता था। उन्होंने बताया कि अंकुश का फौज में जाने का सपना था जिसे अंकुश ने पूरा करके दिखाया है और हमें अंकुश की शहादत पर बहुत नाज है। हमारे पास हाँ जी फिर बड़ा भर्ती होना चाचू जी बस इस बार भर्ती कुछ नहीं गलाने बोलने अपना काज दे आना डोल अपने पर बिजी रहना 24 घंटे पढ़ दे आना बस। आर्मी जा बोला मैं आर्मी में भर्ती होना था फिर और बस बस छोटा जा फिर बस कुछ नहीं बोलता और बस खुला खेल रखना। हाँ जी हाँ जी गौरतलब है कि हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के तहत पड़ने वाले गांव कड़ौता में शहीद अंकुश के घर पर आज भी लोग सांत्वना देने के लिए पहुंचते हैं और अंकुश की शहादत पर पूरे जिला के लोगों को गर्व है।